सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अर्क और आप देख रहे हो हाईटेक ब्रो। दोस्तों आज का वीडियो स्मार्ट वॉचेस के बारे में, 100 रुपीज 5000। वैसे हर एक बार की तरह हम लोग 5 से 1 तक रैंकिंग करने वाले स्मार्ट वॉचेस को, एंड हर एक स्मार्ट वॉच अलग अलग ब्रांड से होगा, ताकि अगर आप लोग कोई भी ब्रांड स्पेसिफिकली पसंद करते हो तो उसके लिए आप लोग जा सकते हो। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो आगे पूरा मजा आएगा, तो वीडियो आगे पूरा एंजॉय कीजिए। दोस्तों सबसे पहले जो वॉच है हम लोग का लिस्ट में, वो डिजो का तरफ से, और उसका नाम है डिजो वॉच 8। इसमें आप लोग मिल जाता है 1.3 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट, यानी कि आप लोग इसको लेकर स्विमिंग भी कर सकते हो, और बहुत ही बड़ा अप टू 12 दिन तक का बैटरी लाइफ भी। बाकी इसमें आप लोग सभी मॉनिटर देखने को मिल जाता है, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर एंड सभी ट्रैकर्स वगैरह, जैसे कि स्टेप्स, कैलोरीज, डिस्टेंस, ये सभी इसमें अवेलेबल है। बाकी इसमें आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है, और कैमराज एंड म्यूजिक वगैरह को आप लोग इस वॉच से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी अगर स्पोर्ट्स मोड के बारे में बात करें तो इस वॉच में आप लोग मिल जाता है 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड, जिसमें लगभग सभी स्पोर्ट्स अवेलेबल है। उतना तो कोई खेलता नहीं है, बट सभी स्पोर्ट्स इसमें अवेलेबल है, और साथ में 150 प्लस वॉच फेसेस भी। लेकिन यहाँ पर आप लोग इनबिल्ट GPS वगैरह देखने को नहीं मिलता है, बट जो सबसे खास बात है, इतना सारा फीचर्स आप लोग को मिल जाते हैं सिर्फ 4000 रुपये का अंदर में। बेस्ट बैलेंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। बाय द वे दोस्तों, जितने भी सारे स्मार्ट वॉचेस होगा हम लोग का लिस्ट में, उन सभी का बेस्ट बैलेंस आप लोग को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग कोई भी खरीदना है या इनका बारे में डिटेल्स में जानना है तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर हम लोग का लिंक से आप लोग खरीदते हो तो हम लोग के चैनल को थोड़ा सा मदद मिल जाता है ऐसे और भी वीडियोस आप लोग के लिए लाने के लिए। उसका बाद 4th नंबर जो वॉच है हम लोग का लिस्ट में, वो MSFIT का तरफ से, और उसका नाम है MSFIT BPU Pro। ये वॉच लाइट वेट है, इसका वेट 30-31 ग्राम का अराउंड है। इसमें आप लोग को मिल जाता है 1.43 इंच का HD कलर डिस्प्ले, एंड सभी मॉनिटर्स जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, स्ट्रेस लेवल मॉनिटरिंग, ब्रीदिंग और स्लीप मॉनिटर इसमें अवेलेबल है। बाकी ये भी स्मार्ट नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बट जो सबसे बढ़िया बात है वो इसका बिल्ट इन GPS और ग्लोनास का सपोर्ट, जिससे आप लोग अपना फिटनेस को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हो। और इसमें आप लोग मिल जाता है 60 प्लस स्पोर्ट्स मोड एंड 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस भी। तो ये वॉच को भी लेकर आप लोग स्विमिंग में जा सकते हो। बाकी इसमें आप लोग मिलता है 50 प्लस वॉच फेसेस, और इसमें आप लोग को एलेक्सा का भी सपोर्ट मिल जाता है, बट वो आप लोग को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बाकी अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को अप टू 9 डेज तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है। फाइनली इस वॉच का प्राइस के बारे में बात करें तो MSFIT BPU Pro आप लोग को मिल जाता है 5000 रुपये का अंदर में। लिंक्स नीचे दिया हुआ रहेगा दोस्तों। उसके बाद 3rd नंबर पे जो वॉच है हम लोग का लिस्ट में, वो रियलमी का तरफ से है, और उसका नाम है रियलमी वॉच 2 प्रो। इस वॉच में आप लोग मिल जाता है 100 प्लस वॉच फेसेस, इसके साथ डुअल सैटेलाइट GPS, जिसका एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, प्लस इसमें आप लोग को ग्लोनास का सपोर्ट भी मिल जाता है, एंड इसके साथ आप लोग इसमें मिल जाता है 90 स्पोर्ट्स मोड भी। एंड ये वॉच बहुत ही बड़ा 1.75 इंचेस का डिस्प्ले के साथ आता है। ये एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, बट इसके कलर्स वगैरह बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, एंड डिस्प्ले में 30 FPS का रिफ्रेश रेट भी आप लोग को इसमें मिलता है, जो इस प्राइस सेगमेंट में एक यूनिक फीचर है। एंड इसका बैटरी के बारे में बात करें तो ये वॉच आप लोग को 14 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देता है आराम से, एंड इसमें आप लोग IP68 का वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिलता है, जो आपका वॉच को पानी और पसीना से बचाएगा। बाकी इसमें भी आप लोग सभी ट्रैकर्स और मॉनिटर्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटर्स, या फिर कैलोरी, स्लीप या ब्रीदिंग ट्रैकिंग, सब कुछ इसमें आप लोग को मिल जाता है। बाकी ये भी स्मार्ट नोटिफिकेशन आप लोग को प्रोवाइड करता है। फाइनली अगर इस वॉच का प्राइस के बारे में बात करें तो रियलमी वॉच 2 प्रो आप लोग को मिल जाता है 5000 रुपीज का अंदर में। लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा। बाय द वे दोस्तों, और एक सिमिलर सा वॉच है जो रियलमी का ही सब ब्रांड डिजो का तरफ से है, जिसका नाम है डिजो वॉच प्रो। उसका प्राइस है 3800 रुपीज, यानी कि 1200 रुपये से वो कम है, एंड वो लगभग सिमिलर स्पेक्स के साथ आता है, बट डिस्प्ले में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा है, एंड उसमें आप लोग 30 FPS का रिफ्रेश रेट भी नहीं मिलता है। तो अगर ये आप लोग ज्यादा बॉदर नहीं करता है तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हो, उसका भी लिंक आप लोग नीचे मिल जाएगा दोस्तों। उसका बाद 2nd नंबर पे जो वॉच है हम लोग का लिस्ट में, वो फायरबोल्ट का तरफ से है, और उसका नाम है फायरबोल्ट थंडर। ये वॉच आप लोग प्रोवाइड करता है 1.32 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, इसके साथ 12 वॉच फेसेस एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी। बाकी इसमें आप लोग 120 MB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप लोग 10-12 गाने तो आराम से स्टोर कर ही सकते हो, एंड ये ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है। एंड ये वॉच में आप लोग को वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आप लोग मिलता है 30 स्पोर्ट्स मोड, जो एक कॉलिंग वॉच के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऐसे देखा जाए कॉलिंग वॉचेस में इतना ज्यादा स्पोर्ट्स मोड नहीं दिया जाता है, बट इसमें है तो एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात बन जाता है। बाकी ये वॉच भी वाटर रेजिस्टेंट है, इसमें आप लोग मिल जाता है IP68 का रेटिंग, एंड इसमें आप लोग सभी मॉनिटर्स जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर यानी कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर जैसे सभी मॉनिटर्स अवेलेबल है। एंड इसका अगर बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इस वॉच में आप लोग मिल जाता है 300 mAh का बैटरी, जो आप लोग आराम से 12 से 14 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा। बाकी इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी है, जैसे कि ब्रीथ ट्रेनिंग, वेदर, अलार्म क्लॉक, ये सब। एंड ये वॉच रिक्रिएशन या फन के लिए क्लासिक गेम्स भी प्रोवाइड किया है, हेंस आप लोग ये वॉच में गेम्स भी खेल सकते हो। बाकी एक्टिविटी ट्रैकिंग, कैलोरी ट्रैकर्स, ये सब तो इसमें है ही। फाइनली अगर इस वॉच का प्राइस के बारे में बात करें तो फायरबोल्ट थंडर ब्लूटूथ कॉलिंग वाला स्मार्ट वॉच आप लोग को मिल जाता है 5000 रुपीज का अंदर में। लिंक्स नीचे दिया हुआ रहेगा।
दोस्तों फाइनली नंबर वन वाला स्मार्ट वॉच बताने से पहले अगर आप लोग हम लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज हम लोग चैनल हाईटेक ब्रो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री होता है तो प्लीज कर लेना। हम लोग चैनल पे आप लोग लगभग हर एक टेक गैजेट के बारे में टॉप 5 देखने को मिल जाता है। तो अगर ऐसा कंटेंट आप लोग को पसंद है तो हम लोग के साथ जुड़ के आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। दोस्तों फाइनली नंबर वन पे जो स्मार्ट वॉच है हम लोग का लिस्ट में वो Redmi की तरफ से है और उसका नाम है Redmi Watch 2 Lite। इस वॉच में आप लोगों को मिल जाता है 1.55 इंचेस का HD LCD डिस्प्ले। ये एक AMOLED डिस्प्ले तो नहीं है बट इसका भी कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसमें भी आप लोग सारे मॉनिटर्स और ट्रैकर्स देखने को मिल जाता है जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SPO2 मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, कैलोरी काउंट, स्टेप्स काउंट वगैरह सब कुछ इसमें आप लोग को मिल जाता है। बट जो सबसे बड़ा हाईलाइट है इस वॉच का वो है इसका इनबिल्ट GPS सपोर्ट। और सिर्फ GPS ही नहीं, ये GPS के साथ साथ ग्लोनास, गैलीलियो और बीडो जैसे बहुत सारे लोकेशन सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है। एंड इसका GPS बहुत ही रिस्पॉन्सिवली और एक्यूरेटली काम करता है। सो इस वॉच से आप लोग आराम से डिस्टेंस वगैरह ट्रैक कर सकते हो। बाकी इसमें आप लोग मिल जाते हैं 100 प्लस फिटनेस मोड्स जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, हाइकिंग, योगा, स्विमिंग सभी कुछ इसमें है। एंड स्विमिंग से याद आया, इसमें आप लोग 5 ATM का वाटर रेजिस्टेंस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ इसमें आप लोग को 120 प्लस वॉच फेसेस भी देखने को मिल जाता है। फाइनली अगर इस वॉच का प्राइस के बारे में बात करें तो Redmi Watch 2 Lite भी आप लोग को मिल जाएगा 5000 रुपये का अंदर में। इसका भी लिंक नीचे अवेलेबल रहेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं आपके लिए कौन सा वॉच सबसे बढ़िया होगा। तो देखिए अगर आप लोग एकदम फिटनेस वाला वॉच चाहिए देन Amazfit BPU Pro आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ये वॉच थोड़ा सा पुराना है बट ये अभी भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। एंड अगर आप लोग एक ऑलराउंडर वाला स्मार्ट वॉच चाहिए यानी कि जिसमें सभी ट्रैकर्स और मॉनिटर्स के साथ GPS और 5 ATM का सपोर्ट भी हो देन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा Redmi Watch 2 Lite, क्योंकि सिर्फ 5000 रुपये के अंदर में ये वॉच इन सभी फीचर्स को प्रोवाइड करता है। बट इन दोनों ही वॉच से आप लोग कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग एक कॉलिंग वॉच चाहिए देन आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया ऑप्शन होगा Firebird थंडर, क्योंकि ये वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है। बाकी सभी वॉच बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड सभी वॉचेस अलग अलग ब्रांड्स है तो आप लोग कोई भी एक साथ जा सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट्स में ये टाइप कीजिए अगर आप लोगों को स्मार्ट वॉचेस अंडर 10,000 का वीडियो चाहिए तो उसके लिए वीडियो हम लोग जल्दी लेके आ जाएंगे। बाकी अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है देन स्मार्ट वॉचेस अंडर 2,000 का भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा आई बटन में, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि 99% लोग आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज कर लेना। दोस्तों यही था आज का वीडियो में, मिलते हैं आप लोग अगला वीडियो में। टिल देन बाय बाय।